हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। सो फ्रेंड्स, कैसे हो आप सब लोग? आई होप आप सब लोग अच्छे होंगे। तो धीरे धीरे मैं भी ठीक हो रही हूँ। और आज है 12वां दिन मेरी डिलीवरी का और मम्मी है मेरे पास में। जैसे कि आप लोग व्लॉग्स देखते होगे तो आपको पता होगा, मम्मी यहाँ मेरे लिए ना नाश्ता बना रही हैं। सुबह के बज रहे हैं अभी 9, और अभी मेरी मालिश वाली मालिश करके गई है मेरी, और अब हो गया हमारा चाय का टाइम। और मैं छोटू से बेबी को आप देख सकते हो, ये सो रहा है यहाँ पर, और बीच बीच में ना जग भी रहा था काफ़ी, तो इसको बीच बीच में बूबू भी पिलाना पड़ता है क्योंकि बच्चे को भूख लगी जाती है धीरे धीरे करके, और पोटी सुसु तो उसका लगा ही रहता है 1 महीने तक। तो यहाँ पे आराम से सो रहा है, और इसके फेस में ना ये बहुत ज़्यादा दाने ही दाने हो रहे हैं, पता नहीं किस वजह से ये निकल रहे हैं। आज शाम को डॉक्टर के पास जाना है, मेरी भी दवाई चल रही है। मेरा ब्लड टेस्ट हुआ था तो दोबारा करवाया है, मेरी डिलीवरी के बाद में ब्लड टेस्ट मेरा दिया है मैंने, क्योंकि ब्लड जैसे कि आपको पता है कम था, तो डॉक्टर दोबारा चेक करेगी कि कितना कम है, फिर इंजेक्शन्स वगैरह दोबारा चलेंगे अगर कम ही होगा तो, क्योंकि डिलीवरी के बाद पता है आपको ब्लड लॉस कितना होता है। खैर, यहाँ पर ये सो रहा है। उसके बाद मम्मी मेरा नाश्ता लेके आ गई थी। नाश्ते में आप देख सकते हो एक बड़ा सा कप चाय का है, ये सांधा है, सांधा जो ड्राई फ्रूट्स का, घी का, सब कुछ बनता है ना मिक्स होके, जिसमें कमरकस वगैरह बहुत सारी चीज़ें होती हैं, तो ये अच्छा रहता है। और यहाँ पे बिस्किट है, मीठे वाले भी है, नमकीन भी है, और थोड़े से फ़ैन है, और ये एक दवाई है, ये है कैल्शियम की है, ये लूँगी मैं बाद में। तो ये सुबह का मेरा नाश्ता ऐसा ही होता है, कभी कभी मैं ब्राउन ब्रेड ले लेती हूँ, तो बस यही रहता है, बिस्किट वगैरह और चाय तो रहती रहती है, और ये सांधा। तो ये तो चल ही रहा है आजकल नाश्ते में रोज़ के रोज़। और यहाँ पर आराम से बैठ के पहले तो मैं अपनी चाय पीती हूँ। तो मम्मी, जैसे कि मुझे अब काम तो मुझे करना ही नहीं है, तो यहाँ पे रेस्ट ही रेस्ट है, बस फुल टाइम फुल डे रेस्ट ही रेस्ट है, कोई काम नहीं कुछ नहीं है मुझे बिल्कुल भी, सारा मम्मी करती है। और मम्मी अब नाश्ते के बाद में साफ़ सफ़ाई करेंगी, और जो भी जियांस बार बार देखो ना, मुझे जियांस ही याद आता है क्योंकि जियांस ही रटा पड़ा है ना जुबान पर। जियांस के छोटे भाई के जो लंगोट होती है जिन्हें पोतड़े बोलते हैं, वो धोएंगी, इसकी सारी दरी धोएंगी जो नीचे हम जिससे सूखा करते हैं, जिसको बिछाते हैं इसके नीचे शीट के ऊपर। तो मम्मी का यही काम रहता है, सुबह ही मुझे नाश्ता देना, खुद नाश्ता करना, उसके बाद कपड़े धोना। कपड़े रोज के बहुत ज़्यादा हो जाते हैं छोटे बेबी के, क्योंकि वो सुसु पोटी लगी रहती है। तो यहाँ पे देखो मम्मी नहा ली थी, कपड़े वगैरह धो के, और मेरा खाना भी उन्होंने तैयार कर दिया था। आज मेरा खाना ना थोड़ा सा अलग है, और ये देखो ये आराम से यहाँ पे रिलैक्स कर रहा है, और ऐसे डरता रहता है बीच बीच में ना, हिलता रहता है, हल्की सी भी आहट होती है ना ये हिल जाता है एकदम से। तो आज का जो मेरा खाना है ना वो थोड़ा सा अलग है, अलग मीन्स मतलब तोरी लौकी और मूंग मसूर की दाल, यही तीनों चीज़ थी मेरी ज़िंदगी में 15 दिन से पिछले। तो अब मम्मी जो है ये कुछ, आज इन्होंने पनीर था उसको फ्राई किया है, और मटर है, तो किसी ने बताया कि मटर दे सकते हो। और ये देखो घी, मेरे मम्मी घी 2 चम्मच रोज के, 2 सुबह चम्मच 2 शाम को, और घी का तो मतलब चाय में भी मम्मी घी डाल देती है, जितना खाओ खाते रहो, मतलब ऐसा हो रहा है आजकल। और यहाँ पे ना घी भर भर के मैं खा रही हूँ, और यहाँ पे मैं भी नहा ली थी। और ये देखो ये है मेरा आज का लंच, सब्जी ज़्यादा रोटी कम, मतलब 2 ही फुलके और बस तरी वाली सब्जी। और आज तो चेंज हो गई थी सब्जी, लेकिन रोज़ रोज़ मैं तरी वाली खाती हूँ। और बस शाम को ना डॉक्टर के जाना था, तो मम्मी ना छोटे बेबी को तैयार कर रही थी, तो यहाँ पे ना उसको रोज़ की रोज़ मतलब हम गर्म पानी से ना वाइप कर देते हैं, नहला नहीं रहे हैं। सब बोलते हैं नहलाना चाहिए बच्चे को, बट डॉक्टर ने मना किया था, जब तक इसकी सूंडी ना उतर के गिर ना जाए अपने आप खुद से, जब तक इसको नहलाना नहीं आया। अब तक हमने सिर्फ 1 ही बार इसको नहलाया है, और अभी ज़्यादा नहीं नहलाया क्योंकि मौसम ना ठंडा और गर्म चल रहा है, आज बारिश का मौसम है तो ठंडा हो गया, कल बहुत ज़्यादा गर्मी थी, तो छोटे बच्चे को डर लगता है नहलाते हुए। मैं भी डरती हूँ और मम्मी भी डरती है कि थोड़ी सी देर में ही ना, क्योंकि अभी 2 दिन पहले ना इसका टेम्परेचर 99 चला गया था, और हम लोग बहुत परेशान हो गए थे, मतलब रात के आप समझ लो 3 बजे तक मैं मम्मी और इसके पापा बैठे रहे थे इस इंतज़ार में कि टेम्परेचर डाउन होगा खुद से तो ठीक है, नहीं तो फिर ले जाना पड़ेगा डॉक्टर के यहाँ पे इमरजेंसी में, क्योंकि डर लगता है बहुत ज़्यादा, छोटा बच्चा है और टेम्परेचर इतना हाई हो रहा है, सिर इतना गर्म हो रहा है, हाथ पैर ठीक थे, सिर बहुत ज़्यादा गर्म था, तो मतलब सोचना पड़ता है हर चीज़ के लिए, नहलाने के लिए भी, हर चीज़ के लिए। तो जो मेरी मालिश के लिए आती है वो तो कहती है कि इसको रोज़ नहीं लाओ, बट नहीं भाई हम नहीं रोज़ नहीं ला सकते क्योंकि भाई डर लगता है, छोटा बच्चा है, वही मम्मी का कहना है लहू की बूंद है, इसको तो बाहर भी नहीं निकाल सकते क्योंकि बाहर की हवा इसको अभी सूट नहीं आएगी, ये छोटा सा बच्चा है बिल्कुल,
तो यही है बस कि इसको निला नहीं रहे, बस ऐसी वाइप कर देते हैं गर्म पानी से, वो भी हल्के गर्म पानी से, ऐसे नहीं। और पंखा बंद करके, पंखा बिल्कुल नहीं चल सकता, पंखा जब चलेगा जब ये प्रॉपर कपड़े पहन लेगा। अभी इसको हम पाउडर वगैरह क्रीम वगैरह कुछ नहीं लगा रहे, डॉक्टर ने सब कुछ मना किया है, कोई क्रीम पाउडर नहीं लगाना, बस ऐसे ही वाइप करो, कपड़े पहना दो। इसके कपड़े भी डिटॉल में धोते हैं। और आज इसको ना ये न्यू टी शर्ट मैं आपको दिखा रही हूँ, ये वाली पहनेगा जो मॉल में से हम लोग बहुत पहले लाए थे। और मैंने मम्मी को ना ये टी शर्ट दे दी है कि आज इसको ये वाली पहनना। अभी 3 से 4 ही कपड़े हम इसके लगाए हैं। और आपको ना मैं एक अलग से मैंने एक वीडियो शूट की हुई है, इसमें मेरे और इसके गिफ्ट हैं वो मैंने आपके साथ में शेयर किए हैं कि हम लोगों को छठी पर क्या गिफ्ट मिले बेबी और मुझे, तो उसका भी ब्लॉग जल्दी आने वाला है। बट उससे पहले ना यहाँ पे ये देख लो, छोटे बेबी की क्लीनिंग चल रही है यहाँ पे। बस मम्मी का यही काम रहता है रोज़ रोज़, मेरा काम और छोटे बेबी का काम, मतलब कि मम्मी को ही कह देती हूँ मैं आप ही वाइप करो अच्छे से, क्योंकि मम्मी को ना ये सब करना बहुत अच्छा लगता है। सारा दिन तो मम्मी से खिलाती रहती है, बच्चा है जो 24 घंटे में से बोलते हैं ना 22 घंटे 20 घंटे तो सोता ही सोता है, बट जितने भी टाइम ये जगता है ना उतने ही टाइम मम्मी इसको खिलाती रहती है, इससे बातें करती है। और अभी ये ना ऐसी कुछ कुछ चीज़ों में देखता है ऐसी, अभी छोटा है ना इतना रिस्पॉन्स नहीं करता, लेकिन हाँ हाँ मम्मी से खूब बातें करती है और उसको खिलाती रहती है। और मैं भी यहाँ पे आ गई थी, और ये देखो सिर पे ना ये बांध के रखने को परमानेंट बोला है मुझे, ताकि सिर में दर्द ना बैठ जाए, बोलते हैं हवा लग जाती है तो, और कुछ करो ना करो लेकिन सिर पर तो बांध के रखती ही हूँ मैं, क्योंकि इतना परहेज मेरे से भी नहीं हो पाता कि मैं अपनी बाजुएँ ढक के रखूँ, फ़ैन ऑफ करके रखूँ। आप लोगों को पता है कितनी ज़्यादा गर्मी हो रही है, इस गर्मी में ना आप बिना फैन के और रह ही नहीं सकते बिना नहाए, बट मैं एक दिन छोड़ के एक दिन नहा रही हूँ जैसे कि डाई ने कहा है, और सब भी बोलते हैं रोज़ नहीं नहा रही, वो भी गर्म पानी से नहाती हूँ मैं, तो गर्मी ने तो बिल्कुल हद पार की हुई है, फिर भी मौसम ठीक है। और ये देखो मम्मी ना छोटे बेबी से आप लोगों को हेलो करा रही है, और ये देखो वो खुद भी हेलो कर रहा है। मेरा क्यूटी पाई यहाँ पर रेडी हो चुका है, और बस यहाँ पर ये मम्मी ने कहा काला टीका भी लगा दूँ। तो ये देखो भाई छोटे बेबी ने कपड़े बदल लिए, और ये है इसकी। शेयर एंड सब्सक्राइब मेरी मम्मी के चैनल को कर देना प्लीज, है ना, करो करो। न्यू न्यू कपड़े बेबी के, न्यू न्यू कपड़े, न्यू कपड़े। अरे रोने क्यों लगे भाई, नाराज हो गई तेरी। सो फ्रेंड्स ये वाली नैपी हैं जो मैंने मंगवाई थी ऑनलाइन, और ये बहुत ही अच्छी हैं और काफ़ी सॉफ्ट है बच्चों के हिसाब से। ये देखो मम्मी ने छोटे बेबी कपड़े भी बदल दिए और न्यू कपड़े पहने आज कैट वाले। इसकी जो टी शर्ट पे ना कैट बनी हुई है बड़ी प्यारी सी, सुंदर कैट है, छोटी छोटी।
इचकी भी आ रही भाई, मुझे तो इचकी आ रही है। हेलो छोटा बेबी, छोटा बेबी, छोटे बेबी ने क्लीन क्लीन हो गया छोटा बेबी।